धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुबेर अपने पिछले जन्म में क्या थे और कैसे वह धन के देवता बन गए? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं धन के देवता कुबेर की कथा। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणनिधि नामक गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद उनकी हालत दयनीय हो गई और वह लोगों के घर जाकर भोजन मांगने लगे। एक दिन गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उन्हें उस दिन किसी ने भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूखे और प्यास से परेशान हो गई। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री को देख गुणनिधि की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। खाने के लालच में वो ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मण का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय आ पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर भजन कीर्तन में मग्न हो गए। गुणनिधि शिवालय में भोजन चुराने की ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में मिला, जब भजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। गुणनिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुँचे, लेकिन वहां पर इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। अंत में वह वहाँ से भोग प्रसाद चुराकर भागने की कोशिश करने लगे। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहाँ से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि व्रत का पालन हो गया, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए थे। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न हुए। यह भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए।